हेलो एवरीवन, मैं अर्चना आज आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं आज बिल्कुल देहाती तरीके से उड़द की दाल घर ही में बनाने जा रही हूँ। मैंने खड़ा उड़द ले लिया है जिसे मैंने साफ कर लिया है अच्छे से। इसमें एक भी तरीके से कंकड़ पत्थर नहीं आप पाएंगे और ये बहुत ही साफ सुथरा है। चलिए अब इसकी हम दाल दरना शुरू करेंगे। जिस तरह से हमने मसूर की दाल के लिए चकिया का यूज़ किया था उसी तरीके से हम हाथ वाली चक्की का ही यूज़ करेंगे। इसमें ज़्यादा उड़द नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा उड़द करके डालना है इस तरीके से। ऐसे धीरे धीरे डालते भी रहना है। इसी तरीके से हमें सारी दाल कर लेनी है। सारी दाल हमारी दर चुकी है इस तरीके से। अब इस दाल को दाल वाले चलने से हम चाट लेंगे। ये उड़द की दाल का चलना है जिससे हम दाल चाट लेंगे। इस तरीके से चालेंगे कि दाल नीचे गिर जाए और खड़ा उड़द ऊपर ही रह जाए। खड़ा उड़द हम दोबारा दर लेंगे और इसी तरीके से सारी दाल हम चाट लेंगे। सारी दाल हमने चाट ली है, अब इसे हम सूप से साफ करेंगे। इसे हम इस तरीके से साफ करेंगे। में किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। आपके पास जब समय है तो आप इसे घर पे जरूर बना के ट्राई करें। उड़द की दाल को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है, अब इसे हम एक बर्तन में रख देंगे और सारी दाल इसी तरीके से हम साफ कर लेंगे। दाल को मैंने अच्छे से सूप से साफ कर लिया है, अब एक प्रोसेस और रह गया है, अब इसे हम छरेंगे। एक बोरा ले लिया है मैंने जूट का, उसमें सारी दाल डाल देंगे। और इसे हम मूसल से इस तरह से छरेंगे। गांव में दाल बनाने की सारी व्यवस्था हुआ करती थी, लेकिन अब शहरों में इतनी नहीं ज़्यादा मिलती है, लेकिन फिर भी हम इसे बोरे पे छर सकते हैं जिससे ये और भी दाल खाने में स्वादिष्ट लगेगी अगर इसे मूसल से छर देंगे हम। इसे समथिंग 15 मिनट छरना है।
15 से 20 मिनट हो गया है, दाल अच्छे से छर चुकी है। अब इसे हम सूप से फिर से साफ कर लेंगे। उड़द की दाल मेरी बिल्कुल देहाती तरीके से बनके रेडी हो गई है। आप इसे काफी दिनों तक स्टोर भी करके रख सकते हैं, लेकिन इसे बीच में आपको धूप दिखानी पड़ेगी जिससे इसमें कीड़े ना पड़ सके। तो कैसा लगा आज का मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ।